दीपिका दी को ना पूरे मुंह पे स्वेलिंग आ रही है और सबका बोलना ये है कि मतलब डेंगू का सिम्टम्स से हेलो आर्टियंस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी आर्टियंस मेरा नाश्ता हो रहा है एंड होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे घर में सब अच्छा तो है, बट दीपिका दी ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है कल से, तो ना दादी अभी दिखाता हूँ आपको है? तो अब दादी ये देखो, सन मुँह दिखा अपना, क्या उसका मुँह ऐसा हो। दादी गुगु को घर की रेमेडी बता रही है, क्या 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 दिया दादी आपने? पपाया का पत्ता गिलोई है, ये होगा थी, ये ऐसे तोड़ना यहाँ से काट के, ठीक है? ठीक है, देते हैं ना इसको अगर डेंगू डूंगू होगा। मैं तो जुखाम में भी पीती हूँ। अच्छा अच्छा, पी सकते हैं ना? पीती हाँ, हमने भी पिया था, मम्मी पिलाती थी ना। सो आर्टियंस, अगर आपको भी डेंगू हो गया लगता है थोड़ा, तो आप गिलोय पी सकते हैं ना दादी? पी सकते हैं हाँ, और अपने घर में लगा सकते हैं, इसका पेड़ तो काफी अच्छा है। इसका मुँह ना टमाटर से लाल लाल हो रहा है। मैं तो अपना खाना खाता हूँ, क्योंकि तो सुबह खा गई, मैं तो अब खा रहा हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। ओके, तो कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, मैंने उठा। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है, ठंडा गर्म जो भी है? भाई अब स्वेटर पहनना स्टार्ट कर, तो बीमारी हो रहा है, बीमार हो रहा है, मेरे तो पूरे पैर धार दर्द होने लग गए, पता नहीं क्यों। आज सबसे बीमारी सारा काम मुझसे करा दिया है। कल आपको पता, मैं तो आपको बताना भूल गया, कल रोटी मैंने बनाई थी दोस्तों, अभी पूछो सुबह किसने बनाया था ना, तो दाल ही तो बनाई, और वो भी बना कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। तो इससे पूछो आटा किसने गुना, और अभी बर्तन कौन धुलेगा? मैं। इसको पूछो ठीक कौन है। सो आर्टियंस, देखो मैंने ना अपने फटाफट सारे बर्तन देखो चमका दिए हैं, और गुगु को देखो है, रुको रुको, सो गई। कोई नहीं, मैं भी ना जब ये ठीक हो जाएगी ना, तब इसे इतना काम कराऊंगा ना। हाँ, तो इन्हें भी बीमार है, मैं ही कर लेता हूँ सारा काम, कोई बात नहीं, बताऊंगा इसको है। गाइस, अगर आप में से किसी को डेंगू है तो मुझे बताओ, मुझे हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे फेस में स्वेलिंग सी आ रही है, और खुजली भी हो रही है, बुखार तो भी सही हो गया है। हाँ, मेरे साथ मेरे को भी फिरा देगी अपना जुखाम बुखार। आर्टियन सुमन दीदी ने पकीते नहीं नहीं सॉरी पपीते का पानी बॉईल किया, वो पी रही है, दिखा कैसे पी गुगु। अरे मेरा फेस मत दिखाना। क्यों नहीं, बंद कर ले, मैं पीते दिखाऊंगा वो ठुस ठुस के। एक गुट्टी एक गुट्टी एक गुट्टी। अगर मैं होता मैं कब का पी लेती। देखे मैं होता मैं सबका पी लेते। देखे गुगु ने पी लिया, पर वैसे ही बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, मैं भी ट्राई करूंगा एक बार ही, ठीक है गुगु? इसलिए भी अच्छा था, बालों के लिए अच्छा होता है। मैं भी पीऊंगा एक गिलास अभी है, और तो मैं भी पीता हूँ फिर, रुको। तीन भाभी लोग का आप सीटी सुन लोगे, अभी दिन का खाना बज रहा है, और मैं अभी ब्रश करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सुबह नहीं किया था, मुझे याद नहीं था, और मैंने बिना ब्रश किए खाना खा लिया ना। आप में से काफ़ी होंगे जो बिना ब्रश किए खाना खाते हैं, बताओ सच सच। यार देखो सच बोलना चाहिए ना यार, तुम्हें तो बेइज्जती की क्या बात है, अब कर तो रहो ना यार, मेरे तक टीथ एकदम मस्त है। देखो डैडी मेरी टॉन्ट मारने वाले हैं। डैडी क्या कर रहे हो आप? कर दिया मुझे बोला ना दादी ने, फोन देख दिया, कुछ बोला नहीं, तो बोलती है घुबक में करना तुम। तो दादी मुझे अपने फूलों के बारे में बता रही है, ये आप देख रहे हैं, ये ना कभी भी फूल जाता है, ब्रह्म कमल है, इसको 7-8 साल हो गए, दादी बता रही है। दादी 7-8 साल बोल रहे ना आप? अच्छा ज्यादा हो गए बंद कर, 16-17 साल दादाजी को, 17 साल हो गए, अभी तक इतना सुंदर खिलता है। 20 हो गए दादी पे ऐसे, दादी अपनी बता रही है कहानी मेरे को, कि पहले बहुत सारे फूल होया करते थे यहाँ पे, और कहाँ पे यहाँ पर होता था,
लगा था यहाँ पे, यहाँ आज भी है उनको। हाँ भाभी ठीक है, भाभी वहां सारी बोल रही पारिजात का भी निकालना, यार ये रात को निकालना इसका। ठीक है ठीक है ठीक है, तो खिलता है एक वीडियो में देख, तो सुंदर नहीं लग रहा वो देख, ये था बहुत बढ़िया। भी फूल लवर हो या नहीं हो बताओ ये मुझे। रात की रानी थी पर कितने रात की रानी, रात की रानी ये थी मतलब खुशबू आती सारा। दादी को कितने प्यार है ना अपने पौधों से, सब बता रही है बेचारी। दादी हो रही मेरी फोटो डाल रही है शक्ल सूरत, दादी आपके बराबर आते आते तो मेरी ही नहीं होगी शक्ल सूरत, आप तो फिर भी इतने सुंदर हो और क्या, स्मार्ट दादी है क्यों। कैसा लग रहा है इसकी, कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही है, इसने आज आपको बताया, आपको एक सरप्राइज भी बताऊंगा बाद में। सॉरी मैं क्या बनाऊं दिन में खाना आज, मुझे तो चावल दाल भी बनाना नहीं आता, क्या बनाऊं। एक काम करता हूँ, जब तक गुग्गू सो रही है ना मैं ना एक चिप्स लेके आ जाता हूँ, मन हो रहा है बस शॉप खोली हो। आई हैव 30 रुपीज, उसमें से मैंने एक वो ली और ये गुग्गू का फेवरेट चिप्स है और एक टकाटक लिया, अब घर में खाऊंगा, थोड़ा भूख लग गई ना मेरे को, पर मेरे को बनाने का भी तो मन नहीं हो रहा है यार। मम्मी आई मिस यू ना, दिन में कुछ बनाया ही नहीं। सो आर्टियंस दीदी पहली बार अपने सर में हेयर ड्रायर मार दी, मारे कितनी एंगर भूत लग रही है तू। ओ भाई साहब दीदी तो पूरी भूत लग रही है यार। Artians, I have a good news. कहाँ जा रही तू यार, ओके? कहीं ये आपको बताएगी नहीं, लेकिन जब इसे ड्रॉप आउट करने जाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है आपको। और देखो कैसे करती, फिर से कर दो सन एक्सप्रेशन प्लीज करना, और इतने कथा ना करी थी। फैन क्यों बोलती है तू, फैन नहीं है मेरी फैमिली है, फैमिली हो आप मेरी, थप्पड़ मार दूँ। हाँ तेरे मेरी फैमिली है ना, है तेरी फैमिली, तू मेरी फैमिली वो तेरे फैमिली, देख ऐसे गोल सर्कल बन रहा है। टिंग थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, मुझे एक प्रमोशन वीडियो बनानी है इंस्टाग्राम के लिए है वो, मैं फटाफट बना देता हूँ। और सब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। गुगू चले गए, वैसे मुझे छोड़ नहीं जाता था और भग गई है, मई रहना प्लीज, देखो मुझे छोड़ने के लिए यहीं से बाय कर देता हूँ फिर। तो आर्टिन अभी आपको बताया मैं एडिट कर रहा हूँ ना, मुझे एडिट करते करते नींद आ रही है व्लॉग को। उफ, मैं तो अपनी वीडियो बनाता हूँ फिर। इंजिक, मैंने फाइनल व्लॉग एडिट कर दिया आर्टिन, अब मुझे शाम के लिए सब्जी लेने जाना है क्योंकि दीपिका दी लेट आएगी और वो रात के 9:30 पे आती है, तो मैं उसे लेने जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डर है ना, तो जब मैं जाऊँगा मैं आपको दिखा दूंगा। अभी सब्जी लेने चलते हैं फटाफट, इनकी यारी दोस्ती दिखाता हूँ। देखो सब हाय बोलो, इन तुम में से पड़ाकू बच्चा कहाँ गया हो, चलो बाय। मैं गुंडी, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मुझे सब्जी लेने ढंग से तो नहीं आता है, लेकिन मैंने थोड़ा बीन्स उठाया है, 2 टमाटर उठाया है, सोच रहा हूँ एक खीरा भी ले लूँ, बट ये सड़ा लग रहा है मुझे, ले लो। आपको पता है मुझे सिर्फ इतना बीन्स 25 रुपए का मिला है, पाव भर और टमाटर 6-7, हाँ महंगा तो बहुत है यहाँ पे। दादी यहाँ दिखाओ मुझे, आ गया मैं कहाँ, अच्छा ये खिलते ये बंद हो जाएंगे सुबह सुबह, ये सारे झड़ जाएंगे, ये अच्छा अंधेरे में ही झड़ जाएंगे। को ब्रह्म के फूल खिल गए, देखो ना दादी सब दिखा रही है, इतनी छोटी छोटी को मुझे कैसे लेके खुश होती, आप भी खुश रहते रहो यार। दादी कैसे मेरे को देखो कैसे हो रखा हूँ मैं, फटाफट मैंने सारी सब्जी काट ली जो हमने रात में बनाई, मुझे मुंह धुलना है क्योंकि मुझे भगवान की पूजा भी करनी है। वो है ना ऐड आता है धोते जाओ, धोते कौन सा ऐड है कमेंट सेक्शन बताओ मेरे को, आप भी आरती लो। गुगू का वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आई भैया, वो अभी तक आई नहीं है, आती होगी, मैं वेट करता हूँ उसका, ठीक है। आ गई मोटी। सो आती है अभी, मेरे को आटा गूंदना है, अभी दीपिका जी सब्जी बनाएगी ना, मैं सीख लूंगा तब कल से थोड़ा बहुत।
मैं ही बना लूंगा। मैं हमेशा जब भी टमाटर लाता हूँ तो ये थोड़े कच्चे कच्चे वाले लाता हूँ। तो अभी दीपिका दी बोल रही है हमेशा रेड टमाटर लाते हैं क्योंकि वो टेस्टी होते हैं। तो ठीक है, अगर आप भी कभी मार्केट जाओगे ना सब्जी वब्जी लेने तो रेड और थोड़े पिक लाले लाना। ठीक है, अभी गुन लेता हूँ क्योंकि ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना। तो अब मैं आटे मतलब रोटी मैं ही बनाऊंगा। देखो मैं कितनी पानी वाली बनाऊंगा। पहले मैं गोले बना देता हूँ बताने को। अच्छी बनाई मैंने। नाइस, आटे तो मेरे से अच्छी रोटी बनाती है बाबा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कल से कहीं सुमन दीदी मुझसे ही बनवा रही सारी रोटी है। उफ, आज तो बहुत काम किया, थक गया मैं। बाय।